हेलो गाइस, आज हम निकल रहे थे रोड से तो हमें एक छोटा सा सुंदर सा साइकिल पे एक भैया है, उनका सेटअप दिखाई दिया है। तो आओ पूछते हैं उनसे ये क्या बनाते हैं और क्या खिलाते हैं, किस तरह बनाते हैं। देख सकते हैं गाइस, ये छोटा से कार्ट पे मनोज भाई बड़ी ही मेहनत से और बड़ी ही लगन से अपना काम करते हुए अपने ग्राहकों को ये घर जैसा खाना खिला रहे हैं। ये देखें, ये हैं हमारे मनोज भाई। तो मनोज भाई, कैसे हैं आप? ठीक है सर। और बताओ, आप किस टाइम आते हैं, टाइमिंग क्या है आपके आने जाने का? सर, शाम को 7 बजे आता हूँ, रात में 1 बजे तक रुकता हूँ। रात को 1 बजे तक रुकते हैं आप? रात में जो खाना नहीं खा पाते हैं ओलो वाले, ऑटो वाले मेरे भाई, जो रात में देर हो जाती है तो वो मेरे पास आके खाना खाते हैं। गाइस, मनोज भाई जिस तरह बता रहे हैं रात को 1 बजे तक रुकते हैं, तो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं ये अपने परिवार को चलाने के लिए। तो मनोज भाई, आप कुछ और भी काम करते हैं या इसी से आपका परिवार? नहीं सर, इसी से मेरा परिवार चलता है, इसी से मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं। इसमें ये रोटी पूरा पैक करके रखा हुआ है। ये रोटी पैक पूरा पैक करके रखा हुआ है सर। अच्छा, मतलब रोटी आपकी जो पैकिंग करके लाते हो आप? हाँ, ये घर से ही बना के लाते हो रोटी? हाँ, फॉल पेपर में लगा के रखा हुआ है सर। अच्छा, ये बताओगे मनोज भाई, ये सारा खाना ये जो आप घर से लेके आते हैं कौन बनाता है? सर, ये खाना मैं बनाता हूँ। रोटी का साइज देखिए, रोटी का साइज भी काफ़ी अच्छा है और ये इस पर बटर लगा के देते हैं और 40 रुपये की थाली देते हैं, जिसमें क्या क्या आता है? 4 रोटी है सर, 2 सब्जी रहती है, जैसे एक सूखी रहती है, कल आलू गोभी थी, आज दाल फ्राई है। अच्छा, हाँ जी सर। गाइस, सुन सकते हैं आप, ये रोज एक नई सब्जी बनाते हैं और साथ में एक दाल देते हैं या ग्रेवी वाली कोई एक सब्जी देते हैं, जिससे कि रोज जो इनके ग्राहक हैं उनको नई नई वैरायटी मिल सके। जैसे कि आज आपने क्या बनाया भैया, आप दिखाएंगे? दिखाओ। हाँ जी सर, दिखाइए। सर, ये दाल फ्राई है सर, बगैर प्याज। ये देखिए, आज इन्होंने बनाई है दाल फ्राई, बगैर प्याज के बना हुआ है सर ये। बगैर प्याज के और लहसुन डालते हो? हाँ जी सर, लहसुन डाला हुआ है। अच्छा, लहसुन डाला हुआ है जी सर। ये देखिए, देख सकते हैं आप, बिना प्याज के इन्होंने बना रखी है। ठीक है, और दूसरी सब्जी कौन सी बनाई आज आप? सर, दूसरी बैंगन का भरता है सर, दिखाइए। डिमांड किसी ने कहा था बैंगन का भरता लाने के लिए। ये देखिए, ये बैंगन का भरता है, देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है घर के जैसा बना हुआ हो। देख सकते हैं आप, क्या लाजवाब लग रहा है देखने में। सर, अभी भी गर्म है। बहुत बढ़िया, ये देखिए गर्मा गर्म है एकदम। और जैसा कि मनोज भैया का कहना है कि यहाँ भी ये रात को 12:30-1 बजे तक बिल्कुल ऐसे गर्म ही रहता है इस होट के। तो आप कभी भी आ सकते हैं भैया के पास खाने के लिए। चावल है आज, चावल किसी की डिमांड पे सर ये आधा डिब्बा पूरा भर के लेके आया था। ये आज पुलाव टाइप बनाता हूँ मैं, लेकिन ये जो है आज प्लेन बनाया किसी की डिमांड पे सर, उन्होंने बोला था प्लेन लेके आओ। अच्छा अच्छा, लोग बाग मिश्री रखते हैं, चीनी रखते हैं, गुड़ रखते हैं, लेकिन सर मैंने थोड़ा सा रखा, मैंने पता सा रखा अपने समझ से। अच्छा, थोड़ा मेरे बजट में भी आ जाता है और कस्टमर को अच्छा भी लगता है। तो देख सकते हैं गाइस, इन्होंने बिल्कुल अलग चीज़ रखी हुई है, पताशा। ये देखिए, ये बहुत ही अलग चीज़ रखी है, मैंने पहली बार देखा है कि कोई खाना खिलाने के बाद किसी को पताशा खिला रहा हो। बहुत बढ़िया भैया, मज़ा आ गया देख के पताशे को। जितने भी अपने ऑटो वाले भाई हैं, तो सब आगे खाते हैं और ऑल ओवर वाले, जैसे इनको मालूम है कि सस्ता टिकाऊ खाना चाहिए एकदम घर जैसा, तो इनको इनके लाइक का खाना मिल जाता है। बाकी आपको पता है रेस्टोरेंट में कितना खाना महंगा है। तो देख सकते हैं गाइस, इनके जो कस्टमर हैं इनके पास रात को 1 बजे तक आते रहते हैं और ये ऐसे ही सेवा देते रहते हैं। और मनोज भाई काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो गाइस, जब भी आप कभी नेहरू प्लेस आएँ तो ये आपको सामने नज़र आ जाएंगे, इरोज कॉरपोरेट टावर के सामने। ये अपनी ये छोटी सी साइकिल पर कार्ट लगाते हैं, ये देखिए। तो अब आपको हम दिखाएंगे कि ये क्या क्या बनाते हैं और हम एक अपनी प्लेट लगवाते हैं। रोटी है, ठीक है। और ये क्या लगा रहे हैं आप? ये दाल फ्राई है सर। दाल फ्राई देख सकते हैं गाइस, दाल फ्राई है, डालिए जी सर। ये देखिए सर, ये देखिए गाइस, दाल फ्राई बिल्कुल एकदम घर वाली है। आपको कलर देख के ही पता चल गया होगा कि जैसी बिल्कुल मम्मी बनाती है हमारी, वैसे ही पतली पतली दाल है, एकदम घर वाला खाना। और ये क्या है सर? ये बैंगन का भरता है सर। बैंगन का भरता है? हाँ जी सर। ये देखिए बैंगन के भरते की रंगत देखिए सर, जबरदस्त, मजा आ गया देखते। चलिए लगाइए। रख दीजिए यहाँ पे, रख दीजिए आप मेरा प्लेट रख दीजिए सर। देख सकते हैं गाइस, ये है इनकी दाल, ये देखो गाइस, ये है इनकी दाल, एकदम घर जैसी। बैंगन का भरता है सर। और आलू है इसमें? नहीं सर, प्रॉपर बैंगन का भरता है। अच्छा, प्रॉपर बैंगन का भरता है। और ये देखिए, ये दिया है इन्होंने मिर्च, और ये दिया है इन्होंने प्याज का सलाद, और ये है रोटी, देखो एकदम पतली रोटी है। ये मुंह मीठा करने के लिए, और ये देखिए मुंह मीठा करने के लिए जो इन्होंने पतासा बताया था वो भी उन्होंने रख दिया है मेरे पास। थैंक यू भैया।
मैं चेक करता हूँ उनका बैंगन का भरता, बैंगन का भरता कैसा बना है इनका चेक करा जाए। ये देखिए, ये ली रोटी, ये है बैंगन का भरता। गाइस मैं बताना चाहूँगा, बिल्कुल घर जैसा स्वाद है। तो अगर आपको घर जैसा स्वाद का खाना खाना है और रात के टाइम आप नेहरू प्लेस के आसपास हैं, तो एक बार ज़रूर आएँ मनोज भाई के पास और इनका ये छोटे से कार्ट पर विजिट ज़रूर करें। तो थैंक यू गाइस ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें ताकि मनोज भाई की हेल्प हो सके।